शुभगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस तफ्तीश में जुटी थी लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस की शिथिलता से आरोपी पत्नी बेखौफ हो गई और प्रेमी के साथ पकड़ी गई। नाजायज संबंध है इसी वजह से मार दिया था सर। किससे नाजायज संबंध है तुम्हारे? इसको प्रभाकर मिश्रा के वजह से। कैसे मारा तुमने? सर ये टैबलेट मिला के मारा। फिर कहाँ रखा लाश को? अरे वो रख लिया। नहीं सर, बैठे में रख लिया। तो किसने कहा था आपको मारने के लिए? जी श्री राजा। अवैध रिश्ते की खातिर इंसान किस कदर हैवान बन जाता है, इसका सच आपके सामने है। जुर्म की साजिश का सच बयां कर रहे इस युवक पर कत्ल का संगीन आरोप है। युवक ने अपने किरायेदार की गला घोंटकर हत्या कर दी। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि हत्याकांड में मृतक की पत्नी भी शामिल थी, जिससे युवक के अवैध संबंधों की बात सामने आ रही है। पति की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पत्नी के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने खुद ही थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिश्तों में उलझी इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठाने में पुलिस को 5 महीने का वक्त लग गया। इसको घोषणा दर्ज किया था जब अभी 25 मई में इनका भाई ने आके हमसे बताया कि इसमें कुछ और चीज है और ये गुमराह किया जा रहा है करके इसने आके हमको एक एप्लीकेशन दिया था। तो इसमें हमने पूरा क्राइम ब्रांच और स्थानीय थाने का टीम गठित किया गया था। इसमें तमाम गहराई से छानबीन और तमाम लोगों से पूछताछ किया गया था। घर के अंदर की खुदाई की तस्वीरें मिर्जापुर कस्बे की। यहाँ कोई गड्ढा नहीं खोदा जा रहा, दरअसल यहाँ उसी किरायेदार प्रभाकर मिश्रा की लाश दफन है जिसकी हत्या जनवरी में कर दी गई थी। प्रभाकर मूल रूप से कानपुर के रहने वाले थे और यहाँ एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। मिर्जापुर के इसी मकान में वो किराए पर पत्नी शिल्पी के साथ रहते थे जहाँ हत्या कर उनकी लाश दफन की गई थी। हैवान पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर भरोसे का गला घोट दिया। के द्वारा मतलब एक और युवक के साथ जो उनके जो प्रेमी था उनके साथ मिलकर उस जो लापता युवक है उनको पहले शराब पिला के कुछ नशे की दवा दे के उसको मार डाल दिए थे और जहाँ जिस मकान में ये लोग किराए पर रहते थे उसी मकान में इनको दबा दिए थे। अब आपको बताते हैं वारदात के पीछे का असल सच। प्रभाकर की पत्नी शिल्पी के मकान मालिक के बेटे विजय प्रताप से अवैध संबंध थे। प्रभाकर को उसकी भनक लगी तो वो दोनों के रिश्ते में दीवार बनने लगा। इसी के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रखी। शराब में नशे की गोलियां मिलाकर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी और लाश को दफन कर दिया। हैवानियत को छिपाने के लिए पत्नी शिल्पी ने थाने में पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस उसकी तलाश करती रही लेकिन कुछ पता नहीं चला। कुछ दिन पहले प्रभाकर के भाई ने थाने आकर कुछ अहम जानकारी दी जिसके बाद हत्याकांड में अवैध संबंध का एंगल सामने आया। जब हमने हिरासत में लेकर पूछताछ किया तो पूरा बात बताया और वहाँ से बॉडी भी निकलवाया, उसका पोस्टमार्टम कराया और ये जो कुल 3 लोगों का गिरफ्तारी इसमें हुआ है और गहराई से इसमें विवेचना चलेगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, ये पहले पत्नी द्वारा एक बताया जा रहा था कि गुम हो गया है या गुमशुदा हुआ उन्हीं के द्वारा। पुलिस ने मकान मालिक के बेटे को गिरफ्तार कर कड़ाई से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया। आरोपी पत्नी शिल्पी, उसका प्रेमी विजय और दोस्त शिवम सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं लेकिन कत्ल की ऐसी जघन्य साजिश ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। क्राइम कंट्रोल के लिए राम विलास सक्सेना, न्यूज स्टेट, शाहजहांपुर।